different people are communicating to each other at same time? Is it possible? Yes. Is it possible? Due to the video conferencing. So, hello everyone. This is Nitasha Chaturvedi and welcome to you all on our YouTube channel that is Easy Learning. और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जैसा कि अभी क्लियर कर ही चुकी हूँ क्या डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये क्या है. वीडियो का मतलब क्या है. फर्स्टली मैं एक टॉपिक के बारे में बात करती हूँ यानी वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग. अब ये जो वीडियो वर्ड है इसका मतलब है ऑडियो यानी जो आपकी ऑडियो है प्लस इमेजेस है इन दोनों से मिलके बना था वीडियो. यानी ऑडियो से मतलब हमारा साउंड, इमेजेस आपका फिजिकल जहां जो आप शो हो रहे हैं. अब फिजिकल के साथ साथ इसमें आपकी मूवमेंट भी शो होते हैं. तो अभी आप मुझे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ YouTube. तो आप ये क्या देख रहे हैं, बेसिकली आप वीडियो ही तो देख रहे हैं. सो ऐसे ही अब वीडियो क्या बताया मैंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो ये कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है. कॉन्फ्रेंसिंग एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू टू और मोर पीपल आपस में इंटरेक्ट होते हैं एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म पर. रियल टाइम इन द सेंस आप जब किसी से कॉलिंग पर बात करते हो तो जब आप कॉलिंग पर बात करते हो तो वो क्या प्लेटफॉर्म हुआ, रियल टाइम. यानी आप एक से दूसरे पर्सन पर बात करते हो. और आपने देखा होगा कभी कभी आपको ऑडियो यानी आप नॉर्मल कॉल करते हो तब आप कॉन्फ्रेंस पे लगाते हो. उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, यानी आप दो से ज्यादा पर्सन भी सेम टाइम पर बात कर पा रहे हो ड्यू टू द नॉर्मल कॉलिंग. सेम वही यही प्रोसीजर है जब व्हेन टू और मोर पीपल आर कम्युनिकेट टू ईच अदर इन अ रियल टाइम प्लेटफॉर्म एंड सी आल्सो हियर टू ईच अदर. यानी वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और दो या दो से ज्यादा लोग और अलग अलग लोकेशन पर एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एक और बार मैं डिस्कस करती हूँ. जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं एक ही टाइम पर, रियल टाइम प्लेटफॉर्म यानी एक ही टाइम पर, और वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, देख भी सके सुन भी सके अपनी बातें भी शेयर करें एक ही टाइम पर और अलग अलग लोकेशन पर, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है, देखो ये यूज कैसे होता है. आज के टाइम में बिजनेस वगैरह में, जैसे कि अभी आपको पता ही है कि हमारा लॉकडाउन सीजन चल रहा है, कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन चल रहा है ये सब. अब लॉकडाउन में सभी के बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह वर्क टू होम कर रहे हैं यानी घर पर बैठ के ही काम कर रहे हैं. सो क्या हुआ, जैसे एक कंपनी है उसका एक बॉस है, उस कंपनी के बॉस के फॉर एग्जाम्पल उनके चार हेड है. अब चार हेड से कंपनी के बॉस डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और उनको रिपोर्ट लेनी है. ये कंपनी के मेन बॉस हैं और ये कंपनी के चार उन्होंने मेन हेड बना रखे हैं. चार हेड है, ये हेड है और ये क्या है, कंपनी के बॉस. अब इनको जो बॉस हैं ये हर दूसरे दिन अपने जो हेड है उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और क्या क्या उन्होंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और कैसे आगे की प्रोसेस करनी है. सो वो क्या करेंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस. पहले के टाइम में क्या था कि पहले के टाइम भी क्या, अभी लॉकडाउन से पहले भी यही सब चल रहा था और अभी भी चलता है. बट अभी लॉकडाउन का टाइम है, ये अपने घर पे है, सपोज ये आगरा में है, ये दिल्ली में है और ये मुंबई में है, ये पुणे में है और ये जो बॉस है वो बेंगलोर में है. अब चारों लोग, पांचों लोग यानी पांचों लोग अलग अलग लोकेशन पर हैं और बॉस के पास यानी सब लोग बॉस के पास तो जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी बॉस के पास कैसे जाएगा अपनी रिपोर्ट सबमिट करने. तो क्या होगा कि बॉस के थ्रू बॉस ने इन चारों को एक कॉल पे कॉल लगाया, दैट इज अ वीडियो कॉल, और ये चारों
आपस में अपनी बातें कर पा रहे हैं कि देखो हमने ये वाला काम कर लिया है और हम आगे की ये वाली चीज करेंगे, हमारी टीम, इनकी सबकी टीम है, हमारी टीम इस स्टेप तक पहुंच चुकी है, आगे का वर्क हम इस तरीके से करेंगे। तो अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं और अपना वर्क भी कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, काम भी हो रहा है और एक दूसरे के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। सो एक ट्रेवल कॉस्ट भी इससे बचती है। इसका एक एडवांटेज हम ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रेवल कॉस्ट बचती है, जो ट्रेवलिंग की कॉस्ट है वो बचती है, हम लोगों को टाइमिंग बचता है। जब ट्रेवल कॉस्ट बचेगी तो टाइमिंग भी बचेगा, जाने आने में जितना टाइम लगेगा उससे भी कम टाइम पे आप अपनी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शेयर कर पाओगे। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से आज के टाइम में आप लाइव पढ़ रहे हो या फिर आपने देख सुना होगा बहुत से ऐप आते हैं जैसे कि स्काइप है, स्काइप, आईएमओ, वाइबर और जूम, इसके थ्रू बहुत से लोग यानी टू और मोर पीपल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, यानी जरूरी नहीं है कि वो सेम लोकेशन पर हो, और अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं। यही हो गया हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।